नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निवास करने वाले दो युवा रोहित बर्मन और भूपेन सेन के द्वारा इतिहास रचा जाने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संपूर्ण भारत की यात्रा मोटरसाइकिल के द्वारा इन युवाओं के द्वारा की जाने वाली है, जिसका आयोजन 25 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही सामाजिक संस्था कदम और पिछले एक वर्ष से सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति निरंतर जागरूक करने वाली संस्था युवा ट्रैफिक फोर्स YTF के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। तो संपूर्ण भारत यात्रा मोटरसाइकिल द्वारा का आयोजन कदम संस्था और YTF के संयुक्त नेतृत्व में किया जा रहा है, जिस यात्रा के अंतर देश भर के 3000 किलोमीटर यात्रा का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही कुछ हिस्से नेपाल और भूटान के भी इस यात्रा के अंतर्गत कवर करने की योजना है। इस यात्रा के अंतर्गत 19 राज्यों के 120 शहरों और पड़ाव में आने वाले लगभग 1000 गांवों को भी कवर करने की योजना है, जिस यात्रा में लगभग 8 से 9 महीने का अनुमानित वक्त लग सकता है। इस यात्रा के अंतर्गत पड़ाव में पढ़ने वाले स्कूल और कॉलेजों में जा कर के सेमिनार आयोजित करके पौधों के द्वारा शांति के संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जन्म दिवस पर वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास इस यात्रा के अंतर्गत किया जाएगा। अब बात करते हैं इस यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कदम संस्था की। तो कदम संस्था जबलपुर में पिछले 25 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाता रहा है और जन जागरूकता फैलाने का काम करता रहा है। और इसी कदम संस्था के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 19 जनवरी को इस यात्रा का शुभारंभ जबलपुर से किया जाएगा। वही बात करी युवा ट्रैफिक फोर्स YTF की, तो YTF पिछले एक वर्षों से हर शनिवार और रविवार को शाम के वक्त 2 घंटे YTF के फाउंडर युवा अमन और टीम लीडर भरत देव सिंह बेदी और अन्य कई युवाओं के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है। अभी पिछले ही दिनों एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर युवा ट्रैफिक फोर्स AD राइडर और ट्रैफिक पुलिस जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक प्राइड रैली का आयोजन सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा चुका है। युवा रोहित और भूपेंद्र की इस यात्रा का शुभारंभ 19 जनवरी को 12 बजे देवताल मेडिकल रोड से किया गया। इस अवसर पर कदम संस्था के सदस्यों के साथ ही YTF के युवा सदस्य शामिल रहे और इस यात्रा हेतु भूपेंद्र सेन और रोहित बर्मन को शुभकामनाएं प्रेषित की। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।